बिल्कुल अच्छे होंगे आप सब। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग टू वन अनदर, डोंट वरी। आज ज्यादा कुछ ना बोलते हुए टॉपिक पे आते हैं। आज जो हम चीज लेके आए हैं वो है एडवर्ब। एडवर्ब आप कह सकते हैं कि व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट इज एडवर्ब, क्या है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। यहां पर सवाल है कि व्हाट इज एडवर्ब। बिल्कुल सिंपली हम लोग समझते हैं कि एडवर्ब क्या है। वर्ब जो ऑलरेडी दिख रहा है आपको, इससे आप नाउन है, बट इसके साथ एड वर्ब है। वर्ब के बारे में कुछ भी कह रहा है, वर्ब की तारीफ करेगा। एड वर्ब मैं बता रहा हूं कि एड वर्ब क्या होता है। आप देख रहे होंगे हमने कुछ वर्ड्स यहां पे लिख रखा है, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने लिखा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो नाउन है, आप जानते हो उसको, प्रोनाउन है, मैंने उस पर भी वीडियो बना रखा है, देख लेंगे। और इस दोनों नाउन और प्रोनाउन की तारीफ अगर करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में टेल्स समथिंग, अगर कुछ कहता है तो वह एडजेक्टिव है। हम कहें कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में अगर कुछ कहेगा तो वह केवल एडजेक्टिव कहेगा, परंतु वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इसके बारे में इंटरजंक्शन को छोड़ करके, नाउन प्रोनाउन और इंटरजंक्शन के अलावे जितने सारे शब्दों की तारीफ करता है जो शब्द, वही शब्द होता है मेरा एडवर्ब। आप कह सकते हैं एडवर्ब इज वर्ड्स विच मॉडिफाई वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात को? द वर्ड आप कह सकते हो द वर्ड्स Which modify verbs, adverbs, adjective भी है, adjective, another adverbs, preposition. एंड कंजंक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब। मैंने लिखा द वर्ड्स विच मॉडिफाइड वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। वो शब्द जो किसी वर्ब का, किसी एडवर्ब का, किसी प्रीपोजिशन का, किसी कंजंक्शन का तारीफ करे, उसके गुण या दोष को बताए, वही होता है मेरा एडवर्ब। एडवर्ब बिल्कुल आलू होता है, किसी के साथ भी लग जाता है। एडवर्ब को जानना बहुत ही आसान है। एडवर्ब को जानने के लिए हम आपको एक कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं। जैसे कि एडवर्ब पर पहले आप पूरी तरह से बात जान लीजिए। एडवर्ब वह होता है जो किसी क्रिया की विशेषता को बतलाता है कि क्रिया किस तरह से हो रही है, जो किसी एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाती है कि कितना एडजेक्टिव है, जो किसी प्रीपोजिशन की विशेषता को बतलाता है कि प्रीपोजिशन तो है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के पहले किस तरह से एडवर्ब आकर के उसको मॉडिफाई करेगा। हम बताएंगे इसी वीडियो में आपको कि किस तरह से। आप यह जरूर जानते होंगे कि जो एडवर्ब है वह वर्ब का को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, अदर एडवर्ब्स को मॉडिफाई करता है, लेकिन प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को भी करता है। यस, इंटरजंक्शन को नहीं करता है, क्योंकि इंटरजंक्शन का मतलब सडन कोई चीज होता है, जैसे वाह। अब बहुत वाह, यह कैसे हो सकता है बहुत वाह, कहने का मतलब कि वाह के पहले आप एडवर्ब कैसे लगा सकते हैं, तो इंटरजंक्शन में एडवर्ब लग ही नहीं सकता। बाकी हमने कहा कि नाउन प्रोनाउन के बारे में अगर कुछ कहता है कोई तो वो एडजेक्टिव कहता है, लेकिन एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव का भी वर्ब का भी एडवर्ब का भी प्रीपोजिशन का कंजंक्शन का और नाउन प्रोनाउन और इंटरजंक्शन के अलावा जितने सारे वर्ड का तारीफ करता है वह एडवर्ब होता है। एडवर्ब हमको एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन के बारे में कुछ कहता है। चलिए, तो हम लोग इतना तो जान गए, द वर्ड विच मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब्स, ये तो हम लोग जानते हैं। और भी देखिए एडवर्ब्स को जानने का जो कॉमन सब ट्रिक है वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप यह कहिए
जैसे अगर मैं लिख दूं कि व्हेन, अगर मैं लिख दूं हाउ, अगर मैं लिख दूं वेयर, और मैं लिख दूं हाउ मेनी टाइम्स भी लिख सकता हूं, हाउ मेनी टाइम्स। तो इसका जो भी आंसर आप करेंगे, इसका जो भी फीडबैक आप देंगे, व्हेन का, हाउ का, वेयर का, हाउ मेनी टाइम्स का, वो सारे के सारे निर्भर होंगे। जैसे व्हेन, जैसे कि कहेगा क्या कि आप यह काम कब किए, आप पटना से कब आए, तो आपका जो फीडबैक होगा कि टुडे, आज आया, दैट इज इट वर्ब। जैसे आप कह सकते हैं यस्टरडे, कल आया, एडवर्ब है। जैसे आप कह सकते हैं कि नाउ, अभी तुरंत आया हूं। आप कह सकते हैं टुमारो, कल जाऊंगा या कल आऊंगा। देखिए यह जो आंसर आपका आ रहा है टाइम से, एडवर्ब ऑफ टाइम है। जब हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब बताएंगे तो आपको बताएंगे कि ये व्हेन किस कैटेगरी में आता है। तो आप जो लिख रहे हैं टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट डे, नाउ, लास्ट डे, द प्रीवियस डे, ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं। जैसे हाउ, तो आप लिख सकते हैं कैसे, जैसे आप लिख सकते हैं कि स्लोली, धीरे धीरे, आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंटली, आप लिख सकते हैं केयरफुली, आप लिख सकते हैं ब्यूटीफुली, आप लिख सकते हैं क्लियरली। तो ये जो ly एडजेक्टिव ले रहा है, जिस एडजेक्टिव पर आप ly कनेक्ट करते हैं सफिक्स के रूप में, वही मेरा एडवर्ब हो जाता है। और बताता भी है कैसे, क्योंकि ये वर्ब, ये वर्ब के बारे में बताता है। मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल में कि कैसे बताता है। अभी आप केवल यह रेंडमली जान लीजिए कि ब्यूटीफुली, स्लोली, केयरफुली, क्लियरली, स्मूथली, जिस तरह से भी आप, हैपली, पीसफुली, ये सारे के सारे जो है एडवर्ब्स है, ये सब एडवर्ब्स है। अब देखिए वेयर, मैंने कहा आप कह सकते हो कि एवरीवेयर, कहीं भी, एवरीवेयर। आप कह सकते हैं एनीवेयर, कहीं भी। आप कह सकते हैं समवेयर, मतलब वही वह। आप कह सकते हैं नोवेयर, कहीं नहीं। ये सब जो आंसर आपको आ रहा है, ये सारे के सारे एक बार में। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। आप कह सकते हो वंस, एक बार, ट्वाइस, दो बार, थ्राइस। आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली, अरे फ्रीक्वेंटली। दीज आर एडवर्ब्स, ये सारे एडवर्ब्स हैं, है ना। तो अब हम जरा देखेंगे कि किस तरह से कौन सा एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है। जैसे आपने एग्जांपल में अभी आपने किया था कि वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रीपोजिशन को, इसको मॉडिफाई करता है कौन, तो एडवर्ब। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे। जैसे कि मैंने कहा कि जो एडवर्ब्स होता है वो मॉडिफाई करता है इसको, तो वर्ब्स को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को और कंजंक्शन को। चलिए उस पर भी आऊंगा। आप देखिए वर्ब को किस तरह से मॉडिफाई करेगा। जैसे मैंने कहा कि राम, इसका एग्जांपल देखेंगे, राम रन्स, राम रन्स स्लोली। गौर से देखिए यहां पर जो स्लोली है एडवर्ब है, क्यों, मैंने पहले कहा था कि सेंटेंस में राम नाउन है, सब्जेक्ट है राम, राम सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट नाउन होता है, और ये मेरा वर्ब है रन्स। अब देखिए कि ये जो स्लोली है राम के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, बल्कि दौड़ता कैसे है, उसकी क्रिया किस तरह से होती है वो बतला रहा है, यानी किसके बारे में कुछ कह रहा है, रन्स के बारे में, कि राम दौड़ता था और कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है। आप उसके, हम कहेंगे He writes, clearly. देखिए यहां पर जो clearly है मेरा एडवर्ब है, वो राइट के बारे में बता रहा है कि कैसे लिखती है, ना कि इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। ये राइट की तारीफ कर रहा है, यानी वर्ब की। ये दोनों के दोनों वर्ब है, वर्ब के बारे में कह रहा है कौन, स्लोली, दैट इज एडवर्ब।
तो ये verb को क्वालिफाई किया, मॉडिफाई किया। अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव को कैसे करता है। चलिए तो देखते हैं एडजेक्टिव को कैसे करेगा। जैसे यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, हां एडजेक्ट आ रहा है यहां पे। जैसे कि चलिए एडजेक्टिव को कैसे कर रहा है, जैसे मैं कह दूं एडजेक्टिव को कैसे करेगा, यहां पर लेके आते हैं उसको। क्या कि नेहा इज ब्यूटीफुल, मैं थोड़ा सा ये करके लेता हूं, नेहा इज ब्यूटीफुल, नेहा सुंदर है। यहां पर जो ब्यूटीफुल है वह नेहा के बारे में कुछ कह रहा है। ब्यूटीफुल इज टेलिंग समथिंग अबाउट नेहा, तो नेहा के बारे में, नाम में नेहा, सब्जेक्ट नेहा, यहां पर नेहा के बारे में अगर कुछ कहा जा रहा है बाय ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के द्वारा, तो दैट इज एडजेक्टिव। ये तो विशेषण है, मुझे पढ़ना एडवर्ब है। और हमने कहा कि जो एडजेक्टिव की भी तारीफ करता है, जो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, मतलब आप कह सकते हैं नेहा इज, अगर मैं यहां पर डाल दू वेरी, नेहा इज वेरी ब्यूटीफुल, हम कह दें कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अगर मैं कह दूं यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो आप यहां सब्जेक्ट के प्रोनाउन के बारे में, यू इज प्रोनाउन हियर, अरे क्लियर, यू के बारे में कह रहा है कौन, इंटेलिजेंट, कि आप तेज हो, ये तेज आपको मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन आप बहुत तेज हो, ये वेरी इज एडवर्ब, क्योंकि ये तारीफ कर रहा है एडजेक्टिव का। इंटेलिजेंट इज एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, और इस दोनों का तारीफ ये वेरी वेरी कर रहा है। सो एडजेक्टिव का तारीफ क्या यहां पर एडवर्ब ने। आगे की दूसरे एडवर्ब का कैसे तारीफ करेगा, दूसरे एडवर्ब का क्या यहां पर दिख रहा है, चलिए यहां पे आ रहा है। ओके, जैसे कि अगर मैं कहूं कि एडवर्ब की कैसे तारीफ करेगा, तो चलिए आप देखेंगे। जैसे हम कहेंगे क्या कि ही स्पीक्स वेरी स्मूथली, ही स्पीक्स वेरी लाउडली, चलिए यह भी लिखिए। यहां पर आप देखेंगे लाउडली इज ऑल्सो एडवर्ब, क्योंकि एलवाई लिया है, एल ओ यू डी एलवाई, एलवाई लिया है, एडजेक्टिव है लाउड, उस पर एलवाई एडवर्ब बन गया, यह पहले से एडवर्ब है, देर इज नो डाउट। और यहां पर वेरी भी एक एडवर्ब है, देर इज ऑल्सो नो डाउट। और यहां पर इस लाउडली के बारे में वेरी कह रहा है कि पहले था कि वो ही स्पीक्स लाउडली, वो जोर जोर से बोलता है, वहां पर भी एडवर्ब लगा हुआ था कि कैसे बोलता है, लेकिन अब है कि वो जोर जोर से नहीं, बहुत जोर जोर से बोलता है, मतलब उस एडवर्ब की और भी तारीफ की जा रही है इस वेरी को लगा करके। तो यहां पर एडवर्ब की भी तारीफ की जा रही है, देखिए एडवर्ब की भी तारीफ एडवर्ब ही कर रहा है। चलिए तो समझ रहे हैं आप बात को। अब मैं आता हूं कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की तारीफ कैसे करता है एडवर्ब, थोड़ा सा इसको भी जानते हैं, देखते हैं। मैक्सिमम वीडियो में आपको यह नहीं दिखने को मिलेगा कि प्रीपोजिशन की भी तारीफ एडवर्ब कैसे करता है। चलिए मैं दिखाता हूं आपको। जैसे कि हम कह रहे हैं कि ही वाज सिटिंग बिसाइड्स मी, बिसाइड मी, ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा था। यहां पर आप देखेंगे कि बिसाइड इज अ प्रीपोजिशन, ही वॉज सिटिंग, वो बैठा था बिसाइड मी, मेरे बगल में। लेकिन अगर मैं इस बिसाइड के पहले, अभी तक क्या हो रहा है, केवल प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है बिसाइड। अब इस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की तारीफ भी करता है एडवर्ब कैसे, जैसे मैं अगर लगा दूं जे यू एस टी, जस्ट, ही वॉज सिटिंग जस्ट बिसाइड, वो मेरे बिल्कुल बगल बैठा था, एकदम सट करके ही बैठा था। तो ये बिसाइड के बारे में जस्ट, जस्ट क्लियर कर रहा है कि वह बिल्कुल मेरे, जैसे आप कह सकते हो क्या कि यू हैव पार्क्ड योर कार जस्ट, जस्ट एट माय डोर, जस्ट एट माय डोर। यहां पर है कि आपने जस्ट मेरे दरवाजे पर ही गाड़ी पार्क किया है। अगर मैं जस्ट हटा दूं तो प्रीपोजिशन है, यहां पर प्रीपोजिशन की तारीफ ये जस्ट कर रहा है। अगर मैं हटा दूं इसको जस्ट को, तो यू हैव पार्क्ड योर कार एट माई डोर, तो इसका मतलब है कि आप अपने कार को मेरे दरवाजे पर ही खड़ा किए हैं, मगर उतना जगह है कि मैं
आ जा सकता हूं अपने दरवाजे से, लेकिन अगर मैंने कहा जस्ट इट माई डोर तो इसका मतलब है कि एकदम बिल्कुल दरवाजे पर आपने खड़ा किया है, एंड आई हैव प्रॉब्लम टू कमिंग एंड गोइंग इन साइड द रूम। तो यहां पर इट के बारे में जस्ट बता रहा है, सो जस्ट इज ऑल्सो एन एडवर्ब। यहां पर भी जस्ट इज ऑल्सो एन एडवर्ब, देखिए प्रीपोजिशन की तारीफ कर रहा है। यहां पर प्रीपोजिशन है बिसाइड्स, यहां पर प्रीपोजिशन है इट, प्रीपोजिशन है अ, प्रीपोजिशन है ऑन, प्रीपोजिशन है अपॉन, प्रीपोजिशन है टू, प्रीपोजिशन है बाय। तो ये सब की तारीफ यदि कोई कर रहा है तो समझिए कि वो एडवर्ब है। मैंने पहले ही कहा था आपको बिगनिंग में कि नाउन प्रोनाउन की तारीफ केवल एडजेक्टिव करेगा, और नाउन प्रोनाउन और उसके बाद इंटरजेक्शन के अलावे, यानी नाउन प्रोनाउन के अलावे जितने सारी चीजों की तारीफ करेगा वह एडवर्ब करेगा। एडवर्ब बिल्कुल सब के साथ लग जाता है। एडवर्ब को आप एडवर्ब है वर्ब के मतलब ये तो जरूर तय है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीज वर्ब्स के बारे में बोलता है क्योंकि एट वर्ब्स है। तो हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स ले जाएंगे आपको, और देखो कि टाइमिंग क्या है, हम आपको टाइप्स ऑफ एडवर्ब में ले जाएंगे। बिल्कुल आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट वीडियो बस कल ही डलाएगा, आप मत परेशान होइए। तब तक बाय, वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपनों तक पहुंचाइए, और यदि आप नए हैं, बार बार नहीं बोलूंगा, यदि आप नए हैं वाओ योर स्माइल इज, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करिए, और यदि मुझ में कुछ कमियां हैं तो प्लीज कमेंट करके लिखिए भी। और अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ आपको इनकम्प्लीट सा लग रहा है कि सर इसको और कम्प्लीट करिए, थोड़ा सा और ये करिए, तो मैं उसी तरह से अकॉर्डिंग टू योर सजेशन आई विल वर्क, डोंट वरी। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।